यशोधरा नगर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने परिसर में ही रहने वाली 6 वर्ष की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पर एक किशोरी की सतर्कता से आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपी यशोधरा नगर निवासी मनीष श्याम डहरिया, उम्र 25 वर्ष बताया गया है। शनिवार की शाम पीड़ित बच्ची घर के सामने ही खेल रही थी, इसी दौरान मनीष वहां आया, बच्ची को बहाने से अपने साथ घर की छत पर ले गया। पड़ोस में ही रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने बच्ची को मनीष के साथ छत पर जाते देख लिया, तुरंत उसकी मां को जानकारी दी। महिला छत पर पहुंची तो मनीष घबरा गया। बच्ची से पूछताछ करने पर मनीष द्वारा लैंगिक शोषण किए जाने का पता चला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। यशोधरा नगर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना यशोधरा अंतर्गत में संजय गांधी नगर में शनिवार के दिन रात को करीबन 9:30 बजे के समय 6 साल की बच्ची के साथ में एक 25 साल की लड़की ने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया है, और वहाँ पे लोगों की जागरूकता की वजह से वह मामला सामने आया था। तुरंत पुलिस स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और बच्ची को लेकर आए, और आरोपी को भी साथ में लेकर आके बच्ची के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किए गए। बच्ची की तबीयत ठीक है, उसका डिस्चार्ज हो गया। आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया गया है। आरोपी 2 दिन के PCR में बंद है। पीड़ित और आरोपी का घर एक ही बस्ती में है, नज़दीक ही था, और इसमें का आरोपी जो है ये उनके पिताजी के साथ में सब्जी बेचने का काम करता था। बच्चों के साथ हैवानियत के इस तरह के मामलों से उनके जीवन पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है। ये कृत्य करने वाला आरोपी तो अपनी सजा काट कर छूट जाता है, पर यह हैवानियत का मंजर इन बच्चों के लिए एक भयानक ख्वाब बनकर जीवन भर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता है। इस तरह के मामलों में हर बार यही गुहार लगाई जाती है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक ना करे। पर अब तक ऐसी कोई भी सजा इन मासूमों के गुनाहगारों को मिलती नहीं दिखाई पड़ी है। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।